सरकार से आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति कोविडशील्ड और कोवैक्सीन को दी गई, जिसके सफल प्रयासों के बाद अब नागपुर शहर के किलोरकर अस्पताल में भारत बायोटेक द्वारा बनाए गए कोवैक्सीन के नाक संस्करण के लिए परीक्षण के लिए तैयार है। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने इन परीक्षण का संचालन करने के लिए वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के सहयोग से वैक्सीन के नाक से ट्रायल्स लिए जाने वाले हैं। नेजल वैक्सीन के परीक्षण दो फेज में गिल्लुरकर अस्पताल में लिए जाएंगे, जहां पहले कोवैक्सीन के पहले दो चरण आयोजित किए गए थे। आशंका जताई जा रही है कि अगले एक महीने में इस वैक्सीन के ट्रायल्स लिए जाएंगे और इस नेजल वैक्सीन का कई मायनों में फायदा है, ऐसी जानकारी रिसर्च हेड डॉक्टर आशीष ताजने ने दी। नेजल वैक्सीन ही पद्धत तशी जुनीच आहे, याच्यापूर्वी स्वाइन फ्लूच्या वैक्सीन नेजल पद्धतीने देण्यात आलेले आहे। आता ही कोवॅक्सिन जी आहे इंट्रामस्क्युलर यशस्वी झालेली आहे, म्हणून ज्या लोकांना जसं इंजेक्शनची वगैरे भीती वाटतं, स्पेशली लहान मुलं आणखीन बाकी कोणी, तर त्यांच्यासाठी ही खूपच उपयुक्त ठरणार आहे। आणि तसंही नेझल वॅक्सिन हे लवकर ॲब्झॉर्ब होऊन लवकर फास्ट त्याची अँटीबॉडीज तयार करण्यास मदत करणार। याचं फेज वन आणि फेज टू जी आपली गव्हर्नमेंटच्या रूलनुसार फेज वन फेज टू अशी ह्युमन ट्रायल टप्प्याटप्प्याने त्यांच्या नियमानुसार करणार। ही ऑल ओव्हर इंडियामध्ये 375 लोकांवर करण्यात येणार आहे फेज वन आणि टू। संपूर्ण महाराष्ट्र में इस वैक्सीन के ट्रायल सिर्फ नागपुर में ही किए जाएंगे, ऐसी जानकारी भी डॉक्टर आशीष ताजने ने दी। बता दें कि इससे पहले मेडिटिना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नागपुर में इट्राडर्मल मार्क के साथ कोवैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल्स पहले से ही चल रहे हैं, जो कि अब तक सफल रहे और अब नाक से वैक्सीन देने की तैयारी जारी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।